कंगना रनौत की फिल्म सिमरन ने फाइनली 15 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे दी है। हंसल मेहता द्वारा निर्देशित इस फिल्म के ट्रेलर और गानों को तो पहले ही लोग काफी पसंद कर चुके थे और अब ऐसा लग रहा है कि सिमरन सबके दिलों को छूने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, इस मूवी को देखने के बाद हम लेकर आए हैं खास आपके लिए इसके रिव्यूज। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के चार्म की, जो कि खुद टाइटलर रोल प्ले कर रही हैं। जी हाँ, कंगना रनौत की। हर बार की तरह कंगना ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो एक बकमाल एक्ट्रेस हैं। कंगना ने सिमरन के कैरेक्टर को अदा ही नहीं किया, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो वो इस रोल को फिल्म में जी रही हैं। इसके बाद बारी आती है डायरेक्शन की। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि सिमरन में हंसल मेहता का निर्देशन सराहनीय है। इस मूवी में सब है, कॉमेडी, ड्रामा, सोशल कमेंट्री, यूएस में ज़ेनोफोबिया, लेकिन शायद यही इस फिल्म का ड्रॉबैक भी है। इतने सारे जॉनर्स होने के कारण ये फिल्म थोड़ी सी मेसी हो जाती है, पर कुछ भी हो, सिमरन को एक बार देखना तो बनता है, कुछ नहीं तो कंगना की बकमाल एक्टिंग के लिए। और हम देते हैं सिमरन को 3.5 स्टार्स।